एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे डाइट फूड लाइक जो मैं 2 महीने से खा रही थी, मैंने जिसको खाने से 20 किलो वज़न कम किया था। तो आज मैं बनाऊंगी डाइट सैंडविच जो बहुत इजीली बन जाएगा, सबके घर में अवेलेबल भी रहती है सारी चीज़ें। इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें यूज़ में ली है और ये बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिया है और क्यूक्यूम्बर लिया है, शिमला मिर्च लिया है और छोटा सा पीस लेमन का लिया है, दही लिया है, नो मेयोनीज कुछ भी नहीं, हम ये कर्ड से बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए मैं सारी वेजीज को एक बॉल में डाल लूँगी, मतलब हाँ ठीक है, थोड़ी चीज़ें गिर रही है नीचे जल्दी जल्दी में, कोई ना। फिर इसमें हम 3 चम्मच दही डालेंगे और ये जो मैंने लेमन लिया है ये भी इसके अंदर डाल देंगे, मतलब जो इसका खट्टापन आएगा ना वो तो बहुत यम लगेगा। फिर हम इसमें सिर्फ 2 ही मसाले डालेंगे, नमक और काली मिर्च, दैट्स इट। मतलब आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हो, शाम को 4 बजे खा सकते हो, आपको मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक फुलफिल रखेगा। देखिए ग्रीन ग्रीन वेजीज कितनी अच्छी लग रही है, इसमें स्वीट कॉर्न्स टेस्ट करके देख लेते हो कैसा बना है। अच्छा लग रहा है, मैंने बनाया है, परफेक्ट हो गई। तो हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स। फिर ये मैंने 2 ब्राउन ब्रेड लिए है, इन ब्राउन ब्रेड के ऊपर मैंने कुछ हरी चटनी या लाल चटनी, केचप वेचप कुछ नहीं लगाया है, जस्ट ये जो मैंने बनाई है ना फिलिंग, इसको इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे एकदम अच्छे से, एकदम भर भर के लगाना है, कुछ ऐसे वो नहीं रखनी है, कंजूसी नहीं करनी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब ना इसको ना हम सैंडविच मेकर में भी बनाएंगे और ये तवे पे भी बनाएंगे, मतलब मैं आपको ना दोनों पे बना के दिखाऊंगी, आप बताना कि आपको ना किस पे ज़्यादा अच्छा लगता है सैंडविच, सैंडविच मेकर में या तवे के ऊपर। मुझे ना तवे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, पता है, क्योंकि तवे पे ना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, दैट्स वाई। तो इसको हम 2 मिनट पे सैंडविच मेकर पे बनाएंगे और ये इधर मैंने तवा भी रख रखा है, इसके अंदर हम, और पता है सबसे मेन चीज़, मैंने ना यहाँ पे घर वाला घी यूज़ में लिया है, जो मम्मी घर पे मक्खन नहीं बनाती वो यूज़ में लिया है, ये गुड फैट होता है, इसको लेना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी बना है ये सैंडविच मेकर में और ये तवे पे, दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इनको सेक लेंगे। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविचेस तैयार है ब्रेकफास्ट के अंदर, कल मैंने फास्ट किया था तो मैंने आज सुबह 8 बजे बना लिया। देखिए दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सिक चुके हैं और अब हम इनके पीसेस करके दिखाते हैं। ये देखिए कि मैंने इनमें इतनी ज़्यादा भर दी ना पूरी की पूरी, कि मतलब आपको अच्छा लगेगा खाने के अंदर, आप इसको कच्चा भी खा सकते हो बट सेकने के बाद वो बहुत यम लगता है, इसलिए सेक के बनाया है गरम गरम। देखिए कैसे बाहर आ रही है अभी, ये देखिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। और प्लीज़ यार देख लो, बहुत मेहनत कर रही हूँ और ये खाने भी मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय, आप भी इंजॉय करना।